जब SCO की बात करना हम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। बिकॉज आप डायरेक्ट SSB प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं सर, आखिर हम खुद को कैसे उन इंटरव्यूज के लिए तैयार करें जो यूनिट में हमारे CO द्वारा होगी, जो हमारे ब्रिगेड इन कमांडर के द्वारा होगी, जो हमारे डिवीजनल कमांडर के द्वारा होगी। बस उद्देश्य एक है कि आप जागते रहें, आप लगे रहें, आप इतने बेहतर हैं कि हम सबको बहुत गर्व है आप पे। अहम ये नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, अहम ये है कि हम लाइफ में कितने इनिशिएटिव लेते हैं, कितने प्रयास करते हैं। हर समय जो पढ़ने की ललक है, जो सीखने का जज्बा है, ये बहुत कमाल का है। और मेरे सारे फौजी भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लर्निंग केवल आपके लिए नहीं है, अभी तो आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनते हो। जब आप इस एज में भी आकर के इस तरह अपॉर्चुनिटी के लिए, इस तरह के एंट्री के लिए फाइट करते हो। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड The MKZ Learning App and fulfill your dreams. बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और obviously आपने देखा कि last time मैंने बड़ा ही detailed बात किया ACC entry के विषय में, Army Cadet College। जब Army Cadet College entry के विषय में बात कर रहा था, तो मैं देख रहा था बच्चों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा surprising sense थे कि सर आखिर आप SCO के विषय में भी बात करें, सर पहले ही आप जो है PCSL के विषय में बात करें। जरूरी भी है जानना, because ये समझना बहुत जरूरी है कि सर अगर 27 तक हमें ACC मौका दे रहा है, उसके बाद हमें कौन मौका देगा। तो obviously ये मौका है आपके लिए और आज उस मौके की ही बात करने वाला हूं। आज मैं स्पेसिफिकली यहां डिस्कस करने वाला हूं SCO एंट्री के विषय में, जो कि ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड परफेक्ट एंड द प्लान्ड एंट्री के रूप में जानी जाती है। तो जब SCO की बात करना हम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ, इसका सिस्टम कैसे चला, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारे आज कॉन्सेप्ट हैं जो कि अमूमन क्लियर नहीं है लोगों को। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सेशन के माध्यम से कि SCO से रिलेटेड हर प्रोस्पेक्ट को मैं कवर करूं और बढ़िया ढंग से आपको हर इंफॉर्मेशन दो, जिससे SCO के लिए आप अप्लाई कर सकें और फाइनली कमीशन हंटिंग का अपना सपना पूरा कर सकें। तो चलिए जानते हैं इसके विषय में डिटेल से। SCO की बात करें तो कमीशन वाज स्टार्टेड विद द मर्जर ऑफ SLQM एंड RCO, वाइड आर्मी इंस्ट्रक्शन 5/1997। तो 1997 में जो है इसकी प्रक्रिया पूरी शुरू हुई, जहां पे इट वाज कंप्लीटली मर्जर हुआ इसका SLQM एंड RCO का। RCO को आप कह सकते हैं रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर्स, एंड पैरेलली SLQM को आप कह सकते हैं SL क्वार्टर मास्टर, जो 1997 में ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। कमीशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द सर्विंग JCOs एंड NCOs एंड अदर रैंक्स। और ये कमीशन जो था वो केवल JCOs एंड NCOs के लिए था, जो कि अदर रैंक्स के थे उनकी एलिजिबिलिटी इसके लिए थी और उनको अपॉर्चुनिटी देने को इस विषय में सोचा गया। आर्मी मेडिकल कॉप्स एंड आर्मी डेंटल कॉप्स आर नॉट अलाउड इन दिस एंट्री। स्पेशली दो तरह की जो है एंट्री जो है वो मेडिकल कॉप्स की और जो डेंटल कॉप्स की आर्मी के अंतर्गत, उनको नहीं इसके अंतर्गत अलाउड किया गया, बाकी रेस्ट सभी को अलाउड किया। एज की बात करें तो 30 से लेकर 35 ईयर्स तक, 30 से लेकर 35 साल तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आर आर्मी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि बच्चे 10+2 करके फौज में चले गए, इवन 10+2 से पहले भी चले गए, तो उनके पास जो है आर्मी के अंदर का जो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट होता है, दैट मीन वो क्वालिफिकेशन आर्मी के अंदर भी आपके कंप्लीट है, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग दीज पर्सनल वर इंटाइटल्ड टू पे अलाउंसेस एज पर्टेनिंग टू देयर रैंक प्रियर टू द सिलेक्शन। अमूमन प्रश्न ये भी होता है मेरे से सर कि जब हम SCO की ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो हमारी सैलरी का क्या होगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे टेक ओवर। तो डोंट वरी, जो भी आपको आपके रैंक पे अरियर पेमेंट मिलता रहा है वो पेमेंट आपका मिलना जारी रहेगा। SCO विल बी एलिजिबल फॉर द प्रमोशन ओनली अप टू द रैंक ऑफ कर्नल, 15 ईयर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। जो आपका प्रमोशन है वो अप टू कर्नल रैंक तक ही है और ऑब्वियसली उसके लिए आपका 15 साल का सर्विस भी अनिवार्य होगा। रिटायरमेंट एज लिमिट इज 57 ईयर, ऑब्वियसली 57 ईयर ही आपका रिटायरमेंट एज होगा। एंड वैकेंसीज कम इन द अप्रैल एंड जुलाई, और इसकी जो वैकेंसी का क्राइटेरिया है वो हमेशा अप्रैल एंड जुलाई मंथ में आ जाती है। तो प्रश्न मेरे से यही होगा कि सर अप्रैल की वैकेंसी एंड अगेन जुलाई की वैकेंसी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट वेटिंग द लाइकली डेट इन केसेस भी, कि जो होती है अप्रैल वालों का जुलाई एंड अगस्त है, एंड जो नेक्स्ट हमारे पास आता है जुलाई, उन लोगों का कैटेगरी किया जाता है नवंबर एंड दिसंबर के लिए। तो ये एक शेड्यूल है जिस शेड्यूल पे आपको SSB फेस करना होता है, तो बिल्कुल घबराए ना, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो अप्रैल वाले के लिए अनाउंसमेंट होगी जिसके प्रोसीडिंग में आप बढ़ेंगे और जल्द से जल्द अपनी SSB को फेस करेंगे, और जल्द से जल्द जो जुलाई में आने वाला है ये भी नेक्स्ट जल्द से जल्द अनाउंस होगा और इसकी अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आगे आता है समझने की बात को, तो 57 वैकेंसीज इन ईच एंट्री, 57 वैकेंसीज हैं, एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द
कैंडिडेट दे आर सर्विंग द डिफेंस, मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड इन 5 ईयर, कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, किसी भी तरह के दाग या किसी भी तरह की समस्या से आप ना हो, बिल्कुल क्लीन नीट एंड परफेक्ट सर्विस आपकी होनी चाहिए 5 साल की, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट कैन अप्लाई, दोनों मैरिड और अनमैरिड दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू AG ब्रांच ऑफ यूनिट, जो कि एजेंट आपका जो होता है वो आपके नाम को आगे प्रोसेस करता है, और आपका नाम जब प्रोसेस होता है तो अप्लाइड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू बाय द CEO ऑफ द यूनिट, आपका CEO जो यूनिट का है वो इसके लिए इंटरव्यू करता है। पहली ब्रिगेड कमांडर एटलीस्ट एंड एट लास्ट आपको जो है बाई डिविजनल कमांडर बिफोर अपीयरिंग फॉर द SSB। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां ऑब्वियसली आपके CEO को भी जो है इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, फिर 5 यूनिट मिला के जो आपके ब्रिगेड कमांडर हो गए उन्हें फिर इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है, और उनको आपको फेस करने का मौका मिलता है जहां इंप्रेस करना होता है, और 5 ब्रिगेड को मिला करके फिर आपके डिविजनल कमांडर जो होते हैं उनके सामने भी आपको अपीयर होना पड़ता है, देन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द SSB, फिर आपको SSB के लिए मौका मिलता है। आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस मेडिकल विल बी कंडक्ट, सिलेक्शन प्रोसेस जब आपका डन हो जाता है तो पहले ही आपका मेडिकल कंडक्ट होता है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ज्वाइन आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स सेंटर, और जैसे ही बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स ज्वाइन करने का मौका मिलता है, दैट मीन आप पंचमढ़ी जो है जाके ज्वाइन करते हैं। एंड 8 वीक आप कंपल्सरी ट्रेनिंग, 8 वीक की आपकी एक कंपल्सरी ट्रेनिंग होगी, इस दौरान आपका पेमेंट जारी रहेगा। लास्टली 1 ईयर ट्रेनिंग विल बी गिवन एट OTA गया बिफोर पासिंग आउट एज ए लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट की तरह पास आउट होने से पहले आपकी 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग होगी कमीशन कैटेगरी की, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ऑब्वियसली गया के अंतर्गत आपकी कंप्लीट की जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट टेल यू वन थिंग, आई थिंक लॉट ऑफ कैंडिडेट, मुझे लगता है कि एज का क्राइटेरिया काफ़ी आगे हो रहा है, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट भी लेके आने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द PCSL, जहां मैं 35 से लेकर 42 ईयर्स तक बात करना चाहूंगा। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी की तलाश जीवन में एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, हमें कभी हारना नहीं चाहिए, हर समय जो पढ़ने की ललक है, जो सीखने का जज्बा है, ये बहुत कमाल का है। और मेरे सारे फौजी भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपका लर्निंग है ना, यही सबसे बड़ी चीज़ है आपके जीवन की, बिकॉज ये लर्निंग केवल आपके लिए नहीं है, अभी तो आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनते हो, जब आप इस एज में भी आकर के इस तरह अपॉर्चुनिटी के लिए, इस तरह की एंट्री के लिए फाइट करते हो, उसके लिए आप पढ़ते हो, अपने CEO के सामने, ब्रिगेड कमांडर के सामने, डिविजनल कमांडर के सामने खुद को फेस करने का जो मौका आपको देते हो ना, तो दैट्स मेक योर पर्सनैलिटी डिफरेंट। अहम ये नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, अहम ये है कि हम लाइफ में कितने इनिशिएटिव लेते हैं, कितने प्रयास करते हैं, ये एफर्ट दर्शाता है कि आप में कितने जज्बे हैं और कितनी जीवंतता है अपने आप को हमेशा बेहतर करने का, अपने परिवार को बेहतर करने का, और इस देश के बेहतर होने में भी कहीं ना कहीं योगदान करने का, और वो सारा चीज़ डिपेंड ही करता है कि आप कितना बेसिक रूप से इस चीज़ के लिए फोकस्ड हैं। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म का विषय होता है, या ये एक एग्जाम्पल है, कभी कभी मैं देखता हूँ कि जिम्मेदारियां हो गई सर बहुत, हम अपनी 15 साल की सर जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे फिर हम चले जाएंगे एंड दे विल गेट द पेंशन एंड ऑल, मुझे लगता है ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज हमेशा तलाशते हैं, शायद बाहर भी आकर के हम पेंशन मिल गई, 15 ईयर हमारा डन हो गया सर, नाउ आई एम गोइंग फॉर द BRS। अब उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी जीवन में तलाशते ही हैं, हम वहां से भी निकल के आते हैं तो हम एक अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं अपने करियर को सेटल करने का, अपने परिवार को सेटल करने का, तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक अधिकारी की जिंदगी जीने का, और आप समझ सकते हैं कि ऑफिसर्स की लाइफ क्या है फौज के अंदर, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप में भी वो जज्बा होना चाहिए यार कि आप उसी डिपार्टमेंट में रह के वहीं रह करके उस कमीशन हंटिंग को एंजॉय करें, उस चीज़ को आप एंटरटेन करें और गर्व महसूस कराएं अपने परिवार को, समाज को, हर व्यक्ति को, और वाकई में कमीशन कैटेगरी में होकर आप रिटायर हों। तो मुझे लगता है कि SCO एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको जाना चाहिए। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी डिटेलिंग आपको बताई और हर चीज़ समझाने का प्रयास किया है, और हर प्लेटफॉर्म पे मेजर कलसी परिवार आपके साथ है, बिकॉज आप डायरेक्ट SSB प्रोसीजर के लिए जाते हैं, तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं सर, आखिर हम खुद को कैसे उन इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करें जो यूनिट में हमारे CEO द्वारा होगी, जो हमारे ब्रिगेड इन कमांडर के द्वारा होगी, जो हमारे डिविजनल कमांडर के द्वारा होगी, बिल्कुल ना घबराएं, आपके लिए बिल्कुल MKSC परिवार तत्पर है। इसलिए हम लोगों ने MKSC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों के ऑनलाइन SSB क्लासरूम प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, जिसके माध्यम से आप यूनिट में रहते हुए, आप घर में रहते हुए, मैं समझता हूँ छुट्टी नहीं मिलती है, जिम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, बट इतना तो टाइम है ना कि हम जब यूट्यूब में फालतू मूवी देख सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, इन दैट केस अगर कुछ
पढ़ करके कुछ अचीव कर लें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए मेजर कल से आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन SSB क्लासरूम प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आप जुड़ करके अपनी यूनिट में रहते हुए, घर में रहते हुए, अपनी उस तैयारी को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहाँ आप अपने तीन के तीनों कमांडिंग ऑफिसर को भी इम्प्रेस करेंगे और फाइनली SSB बोर्ड में जा करके भी एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करके खुद को गर्व, अपने परिवार को गर्व, अपने बच्चों को गर्व, अपित पूरे देश को गर्व महसूस करने की वजह देंगे कि यार फौजी में क्या जज्बा होता है, क्या जुनून। वो जब जाग ले और जब वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि SCO एक एग्जांपल है उसके लिए जिसको आप कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी टू वेकअप, ये मौका है जगने का। तो फटाफट उठिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और उसके अंतर्गत जा करके SSB कोर्स को एक्टिवेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि घर बैठे भी हम आपको वो तैयारी देंगे कि आने वाले हर चैलेंजेज आपके लिए आसान हो जाएंगे और फाइनली कमीशन हंटिंग का आपका सपना पूरा हो पाएगा। खुद के लिए एक प्राउड, अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों के लिए एक प्राउड। तो मुझे लगता है कि ये प्राउड फील करने की कोई उम्र नहीं है, ये जब जागा तभी सवेरा वाला हाल है। तो उठिए, जगिए और फटाफट हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ करके आने वाली SCO के द्वारा हर SSB को फेस करें और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, विश यू गुड लक फ्रॉम ऑल द वे एंड बिल्कुल लगो आप दिल के बहुत करीब हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए, तरह तरह के वीडियोज़ ला रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने ACC पे बनाया, आज मैं SCO पे बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं PCS एंट्री की भी बात करूँगा, मैं इंटरनल कोर्स में भी जाके बहुत सारी बात करूँगा। बस उद्देश्य एक है कि आप जागते रहें, आप लगे रहें, आप इतने बेहतर हैं कि हम सबको बहुत गर्व है आप पे। तो एक स्टेप और बेहतर करके उस गर्व को 10 गुना बढ़ाइए और दिखाइए कि फौजी जब ठानेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ टाइम टू वेक अप, दिस इज अ टाइम टू गिव द बेस्ट, दिस इज अ टाइम टू मेक फील प्राउड योर फैमिली एंड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद जय भारत। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड the MKC Learning app and fulfill your dreams.